अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो चलिए आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने इन चूज़ों को खोलते हैं। ये पहले बाहर निकल जाए, थोड़ी देरी खोलेंगे इन्हें। मौसम आज काफ़ी ठंडा है, बारिश हो रही है आज दोबारा, तो बस थोड़ी थोड़ी देर जो है ना इन्हें खोल के और फिर बंद कर देंगे। ये देखें जी, हमारे बजीज वो एक फीमेल अंदर बैठी है और पहले उसका पेयर उस ब्लू मेल के साथ था, अभी सले के साथ हो गया। और देखिए अपने कॉकटेल, और ये आपको नज़र आ रहा होगा चीता हमारा वापस आ गया, इसे भी खोलते हैं जी। अब बाहर ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी। अब चलो जी, ये देखें जी, ये चीता हमारा आज वापस आ गया। कल ही आ गया था लेकिन वीडियो में आ जाए। देखें बारिश हो रही है, तो बस थोड़ी थोड़ी देर ही खोलेंगे इन्हें। अली भाई ने मेरे ख्याल से कबूतर खोले हैं अभी। ये देखें जी, मौसम कबूतरों के लिए तो ठीक है, ठंडा मौसम है, लेकिन बाकी परिंदों के लिए जाना मसला होता है थोड़ा सा इस मौसम में। ये जी अपना बड़ा पैर, इसकी भी जगह इधर ही आ गया। मुर्गी पार तो खा रही है पर अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, और कहीं पे रख नहीं सकते इनको। और इन्हें यहीं पे दाना डालेंगे क्योंकि उधर वो दूसरा मुर्गा खुला हुआ है, फिर ये लड़ेंगे। तो कोशिश करेंगे इन्हें शाम को खोल लें, शाम को इन्हें उधर ले जाएंगे और यहाँ पे ठीक भी रहते हैं। तो चलें वही दाना डालते हैं इन्हें। ये देखें जी, ये लड़ने लग गया, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं ये, लेकिन ये है कि अब ओ ओ इनकी लड़ाई करवाने, अभी छोड़ के बैठे हैं इनको। देखें जी, ये इन्होंने अब दोबारा अंडे देने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रही है मेल। लें जी, ये भी रोज़ की तरह हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इन्हें मैंने दे देना आप किसी को, सोचता हूँ दे दूँ, फिर कहता हूँ यार नहीं, बड़े शौक से पाली थी। तो अब इनका कुछ करना ही पड़ेगा, ऊपर जोड़ा रखना है सील, तो देना पड़ेगा इन्हें, मजबूरी है। और ये रोज़ की तरह अकेला बैठा हुआ है, बीवी इसकी उधर है उस पिंजरे में, तो ले गएंगे फिर इसके साथ छोड़ेंगे। अभी बंद करते हैं, बंद कैसे करेंगे, इधर ये मुर्गियाँ खुली हैं, बारिश हो रही है, इन्होंने अंदर जाना होगा, तो बैठा रहने देते हैं ऐसे ही से, इसने कौन सा कहीं पे जाना है। ये भी मैंने दाना डाला है, नहीं बाहर नहीं डाला क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो इधर ही दाना डाला है इनको, इसके काम देते हैं। ये बहुत डर डर के खा रहा है। और अभी एक और चीज़ चेक करते हैं, काफ़ी दिन से बजीज हैं ये बैठे हैं मटकी में, चेक करते हैं इन्होंने कोई अंडा वगैरह दिया है कि नहीं। माशाल्लाह देखें जी, इसने दो अंडे दे दिए और इसने मेरा कोई अंडा नहीं दिया। ये भी दे देगी बहुत जल्द, बाकी कहाँ गए, ये देखें ये सारे बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस आई है इसकी। अभी इसके दो बच्चे जो हैं मैंने दोस्त को दिए थे और अभी इसने फिर अंडे दे दिए हैं। तो चले उम्मीद है ये भी बहुत जल्दी अंडे देंगे दोबारा। इनका बच्चा जो है अभी पड़ा हुआ है नीचे मेरे पास, उसको खाना वगैरह खिलाते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको बच्चा कैसे पालते हैं। ये जी हमारे रा पेयर का बच्चा है, दोनों बच्चे जो हैं रा ही हैं, लेकिन वो दूसरा जो है ये बहुत कमज़ोर रह गया शुरू से, तो अब इसकी ग्रोथ अल्लाह जाने कैसे होगी। तो चलें ये खाना है इनका जो फीड होती है इनकी, ये खिलाते हैं अभी इनको, दिखाते हैं आपको। ये जी तकरीबन 15-16 सीसी है जो कि मैं एक बच्चे को खिलाऊंगा, भी आप देखिएगा। ये देखें जी बहुत ही आराम से खाएगा ये,
बहुत शौक से खाएगा। देखें तकरीबन सारी ख़त्म होने लगी है, थोड़ी सी नीचे गिरी है, वो मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ इस वजह से। तो ये जी एक को खिला दिया, अब दूसरे की बारी है। ये जी दूसरा बच्चा है, इसे खिलाते हैं अब। ये देखें जी कितने शौक से खा लिया इसने। जो बच्ची है ये भी इसे खिलाते हैं, और अब थोड़ी सी रह गई है, वो भी इन दोनों को खिला देते हैं, काफ़ी भूखे हुए हुए हैं। ये देखें जी थोड़ी सी रह गई है बस, आधी आधी दोनों को खिला देंगे, आधी उसको खिला दी और आधी इसको खिलाएंगे। ये देखें जी दोनों के पेट फुल हो गया, अब इन्हें कवर कर देते हैं, सर्दी है इन्हें ठंड ना लग जाएगी जी। इस पेड़ को भी खोल लेते हैं, ये इधर काफ़ी देर से जो है ना इन्हें शोर डाला हुआ था, दाना मैंने डाल दिया, दाना खाएं अभी ये बस, और फिर इन्हें बंद करता हूँ मैं। बस ये मुर्गी नीचे ना चली जाए, फिर से नीचे से पकड़ के लाना पड़ता है। वो सब अच्छा है तो मुर्गा भी खुश है आज। ये जी चार थोड़ी सी बची हुई थी, ये मैंने इन्हें डाल दिया है। अब चूजे खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुर्गा इन्हें मार है, मुर्गी को खाने दे देता है, इन्हें नहीं खाने देता। ये भी कोशिश कर रहे हैं खाएं। मौसम देखिए आप बादल किस तरह आए हुए हैं, थोड़ा टाइम है इनके पास खाने के लिए, और बाजरा इसलिए मैंने बाहर रख दिया कि चलें चिड़ियाँ भी खाती रहेंगी। अभी आई थी चिड़ियाँ, पर इन्हें देख के जाओ वापस चली गई हैं, ये मारते हैं उन्हें भी। तो चलें इन्हें अब बंद करेंगे थोड़ी देर में, नमाज का टाइम भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।